नमस्कार, क्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है। कोटा रेणु जोगी इस बार जोगी जनता कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। आज उन्होंने बिलासपुर में नामांकन दाखिल कर दिया। हालांकि रेणु जोगी के नाम का नामांकन फॉर्म पहले ही जोगी कांग्रेस की तरफ से ले लिया गया था। हालांकि उस दौरान भी रेणु जोगी इस बात से इनकार करती रही थी कि उन्हें संज्ञान में लेकर नामांकन फॉर्म लिया गया है। कांग्रेस ने कल अपनी पांचवी और आखिरी प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, जिसमें कोटा से रेणु जोगी की जगह विभोर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया है, जिसके बाद नाराज रेणु जोगी ने कांग्रेस से अलग हटकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आज दोपहर बाद कलेक्ट्रेट पहुंची रेणु जोगी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। रेणु जोगी के साथ उनके बेटे अमित जोगी और अन्य जोगी कांग्रेस समर्थक मौजूद थे। इससे पहले कल ही रेणु जोगी ने कोटा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी को एक भावुक पत्र भी लिखा। हालांकि कल उन्होंने इस बात को साफ नहीं किया था कि वह निर्दलीय कोटा से लड़ेंगी या फिर जोगी कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन आज साफ हो गया कि अब से कुछ देर पहले ही जोगी जनता कांग्रेस ने कोटा सीट से रेणु जोगी को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद रेणु जोगी अपने समर्थक और अमित जोगी के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और अपना नामांकन दाखिल किया। जैसा मैंने पत्र में लिखा है, लगभग 35-40 वर्षों का संबंध रहा है। आज भी जब मैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से मेरे फॉर्म आया है, तो एक मन में असंबंध है और ये कहूँगी कि परिस्थिति परमात्मा और पूर्णिया जनता का आदेश मानते हुए शिवोधार्य करते हुए मैंने ये फैसला लिया है। 28 साल से जैसा आपको मालूम है, परिवार के विरोध के बावजूद मैं कांग्रेस पार्टी में बनी हुई थी, तो मुझे लगता है ईश्वर की यही इच्छा थी कि एक बार पुनः परिवार में पहुंच जाऊँगी, तो बने रहे। और मैं समझती हूँ परमेश्वर परम पिता भगवान संपूर्ण आत्मा है कि जो वो करते हैं अच्छे के लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।